सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ मेरे एक सब्सक्राइबर के हाथ के बारे में, एक छोटा सा एनालिसिस करने वाला हूँ। इनका सबसे पहला सवाल यह है कि इनको रोजगार कब मिलेगा, इनको नौकरी सरकारी मिलेगी या प्राइवेट, और साथ ही साथ ये अपने जीवन में कितने स्टेबल हो पाएंगे और फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मणिबंध देख लेते हैं। मणिबंध में यहाँ पर एक जो मणिबंध है वो पहला मणिबंध लास्ट में जाकर थोड़ा सा छोटा हो गया, मतलब कि पतला हो गया है। यहाँ पर एक और आड़ी रेखा जो है वो नीचे की ओर घूम गई है। तो ये दर्शाता है कि मणिबंध जब इस तरह से टूटा हुआ खंडित हो और उससे स्पर्श रेखाएं निकले, तो ऐसे लोग जो है थोड़ा इनको कॉन्फिडेंस में कमी आती है और ये जो बात लोगों से मनवाना चाहते हैं या जो बात ये लोगों को बताना चाहते हैं वो ठीक तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाते। और दूसरा मणिबंध जो है वो बिल्कुल साफ है, उसमें एक छोटा सा द्वीप बना हुआ है। ये द्वीप भी ये दर्शाता है कि इनके इस स्वभाव की वजह से इनके घर वाले जो है इनको समझ नहीं पाते कि एग्जैक्टली ये क्या चाहते हैं। तो चलिए, अगर आप जीवन में कोशिश करें तो ये रेखाएं भी बिल्कुल सही हो सकती हैं। तो सबसे पहला चीज हम देखते हैं यहाँ पर जो उनकी जीवन रेखा है, जीवन रेखा में एक छोटा सा छोटी छोटी स्पर्श रेखा है बचपन की, जो बिल्कुल साफ है। इसमें कोई दुविधा नहीं है कि इनका बचपन लगभग ठीक ही गया है। और इनकी जीवन रेखा लास्ट में आकर शुक्र के पर्वत के नीचे खत्म हो रही है। तो यहाँ पर यह दर्शाता है कि इनका जीवन लगभग सही और काफी स्टेबल जाने वाला है और इनके जीवन में छोटी मोटी समस्या के अलावा वैसी कोई बड़ी समस्या नहीं आएंगी जिससे इनका मानसिक संतुलन बिगड़े या तबीयत ज्यादा खराब हो। और एक इनका प्लस पॉइंट है, इनका अंदरूनी मंगल से जो रेखा ऊपर की ओर आ रही है वो जाके मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के उद्भव स्थान को छू रही है। तो यहाँ पर यह दर्शाता है कि इनका इनर मंगल, मतलब इनका अंदर का जो इनके अंदर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत स्ट्रांग है और इनको छोटी मोटी बीमारियों के अलावा कोई बड़ी बीमारी अभी तक नहीं हुई है। और यहाँ पर देखते हैं मस्तिष्क रेखा, ये छोटी छोटी रेखाओं से बनी हुई है। तो मस्तिष्क रेखा में जब इतने सारे स्पर्श रेखा जुड़ते हैं तो यहाँ पर मस्तिष्क रेखा को काफी बल मिलता है और ये हल्का सा झुकाव लिए हुए चंद्र के पर्वत की ओर। तो यहाँ पर यह दर्शाता है कि ये थोड़े से काल्पनिक है, मतलब कल्पना जगत में रहना इनको काफी पसंद आता है। और अब देख लेते हैं भाग्य रेखा जो है। देखिए दोस्तों, भाग्य रेखा जो है वो आरंभ हो रही है नीचे से बिल्कुल सीधी यहाँ तक, और नीचे एक भाग्य रेखा में फिश का साइन है। तो लगभग इनको जो है भाग्य थोड़ा बहुत सपोर्ट अच्छा मिल जाएगा, मतलब जितना वो कर्म करेंगे उतना उनको फल मिलेगा ही। फिर भाग्य रेखा के बगल से और एक भाग्य रेखा निकलती हुई बिल्कुल ऊपर की ओर जाकर मस्तिष्क रेखा में टच हो रही है, और एक रेखा जो है भाग्य रेखा को स्पर्श कर रही है। ये भी एक एडिशनल लाइन है जो भाग्य रेखा को बल दे रही है। तो ऐसी अवस्था में इंसान जो है जो कर्म करता है उसको उसका उचित फल मिलता जरूर है। और ये भाग्य रेखा जो है ऊपर जाकर दो रेखा बन चुकी है, एक ये और उसके ठीक बगल में और एक। तो यहाँ पर यह दर्शाता है कि इनको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अच्छा सपोर्ट जरूर मिलेगा। जीवन में कुछ समस्याएं जरूर आएंगी लेकिन उस समस्याओं का ये समाधान भी निकाल पाएंगे। और ये जो मस्तिष्क रेखा है आगे देखिए, हल्का सा आगे बढ़ते हुए बिल्कुल हल्का होकर ये चंद्र के पर्वत में जाकर एंड हो रहा है। तो यहाँ पर ये दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति जो है काफी काल्पनिक होता है, माने कल्पना जगत में रहना काफी इनको पसंद आता है और साथ ही साथ ये चिंताएं करते करते किसी भी चीज को लेकर सोचते सोचते इतने गहराई तक चले जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि ये चीजें अब घटित होने वाली हैं। मतलब ये काल्पनिक तरीके से इतना ज्यादा ही सोचने लगते हैं जिस वजह से ये जो है कभी कभी हताश या डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आपको किसी भी मैटर में इतना ज्यादा गहराई से नहीं सोचना है, आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बनना है। प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को फेस करते हुए आगे बढ़ना है और जीवन में कोशिश करना है और कोशिश करते हुए आगे बढ़िए, आपको सब कुछ मिलेगा। देखिए दोस्तों, भाग्य रेखा के पास से एक रेखा निकलती हुई दूसरे भाग्य रेखा, मतलब जो स्पर्श रेखा है उसको भी क्रॉस करके आगे तक बढ़ चुकी है।
तो यहाँ पर जो दो तरह का ट्रायंगल बन रहा है और दोनों ही भाग्य रेखा को छूते हुए निकलती हुई रेखा जो बुध के पर्वत की ओर जा रही है, तो यहाँ पर ये दर्शाता है कि ये इंटेलिजेंट तो है लेकिन ये इंटेलिजेंट का सही उपयोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये जो त्रिभुज है, ये जो ट्रायंगल है, बीच में दो भागों में बट गया है। तो ऐसा ये दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति जो है टैलेंट होते हुए भी उसको सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता। बस इनको एक चीज की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए कि ये अपने समस्याओं को किस तरह से समाधान करें या जीवन में कोशिश करते हुए कैसे आगे बढ़ें। क्योंकि इनका जो हृदय रेखा है, देखिए दोस्तों, बहुत ही साफ है, स्पष्ट है और बिल्कुल सीधी निकलती हुई ऊपर जाकर बृहस्पति और शनि की उंगली के बीच में जाकर खत्म होती है। तो ये काफी प्लस पॉइंट है। ऐसे लोग धार्मिक होते हैं और आध्यात्मिक विचारों वाले होते हैं। साथ ही साथ इनके जो गुरु पर्वत में दो आड़ी रेखाएं बनी हुई हैं जो कि हृदय रेखा की ओर इंडिकेट कर रही हैं। तो यहाँ पर यह दर्शाता है कि ये व्यक्ति जो है काफी आध्यात्मिक है और अपने जीवन में काफी धार्मिक विचार रखने वाला व्यक्ति है। और इस पूरे हाथ में सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट जो है वो है सूर्य रेखा, जो बिल्कुल ऊपर सीधा जाता है सूर्य के पर्वत की ओर। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति अगर कोशिश करे तो इनको जरूर जरूर अच्छा फल मिलेगा ही। मतलब मैं ये पूरे दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं कि इनके सूर्य रेखा के ठीक बगल में एक वलय है। इस वलय को कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जन्मजात टैलेंटेड होते हैं, बस इनको अपने उस टैलेंट को पहचानने की आवश्यकता होती है। मतलब इस जगह पे जो स्किन पैटर्न है वो एक वलय की तरह, आधा चांद की तरह बना हुआ है, जो कि बहुत बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ऐसा बहुत कम लोगों के हाथ में होता है। तो ये दर्शाता है कि ये व्यक्ति अगर सही से मेहनत करे, पूरे लगन के साथ अपना कर्म करे और पूरी कोशिश करे तो जीवन में इनको स्टेबल होने में, जीवन में इनको तरक्की करने में, जीवन में इनको सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर एक छोटी सी विवाह रेखा है, देखिए दोस्तों, छोटी सी विवाह रेखा है। तो यहाँ पर यह दर्शाती है कि ये इनका विवाह भी लगभग अनुकूल होगा, वैवाहिक जीवन भी काफी अनुकूल होगा। इनकी जो पत्नी होंगी वो इनकी सेवा करेंगी, इनको रिस्पेक्ट करेंगी और साथ ही साथ इन दोनों के बीच में दाम्पत्य सुख भी काफी अच्छा होगा। अब यहाँ पर दो चीजें देखने लायक है। एक जो है सूर्य की जो उंगली है वो बिल्कुल सीधी और बृहस्पति की उंगली भी बिल्कुल सीधी और दोनों में लगभग थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ सूर्य की उंगली जो है वो काफी ऊंची है। तो यहाँ पर ये दर्शाता है कि अगर ये व्यक्ति सही से मेहनत करे, किसी सरकारी नौकरी के लिए अगर ट्राई करे तो इनको अवश्य मिलेगी, अथवा अगर इनके अंदर कोई टैलेंट है उस टैलेंट के जरिए अपना जो इनकम ये कर सकते हैं या अपना सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हैं। और साथ ही साथ इनको सरकार द्वारा कुछ अवार्ड या किसी भी तरह का पुरस्कार इनको मिल सकता है। अगर ये सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहे हैं तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इनको सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी, क्योंकि इनका जो है काफी प्लस पॉइंट एक है ये सूर्य की रेखा और सूर्य के बगल में ये अर्धचांद का वलय, ये बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट होता है दोस्तों। तो जीवन में अगर ये कोशिश करें, पूरे लगन के साथ आगे बढ़ें तो इनको सक्सेस जरूर जरूर मिलेगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और एक प्लस पॉइंट इनका यह है कि ये अपने पढ़ाई में, मतलब जिस सब्जेक्ट में ये है उसमें दक्ष है, क्योंकि इनके शुक्र की जो रेखाएं हैं काफी ऊपर तक गई हैं और बिल्कुल साफ साफ गई हैं। तो ये दर्शाता है कि ये व्यक्ति अपने विषय में काफी पारंगत है, एक्सपर्ट है और बहुत ही गहराई से अपने विषय को पढ़ता है और उसमें रिसर्च करता है। मतलब इनका जो ज्ञान है वो काफी अच्छा है। तो आप जरूर और जरूर अपनी कोशिश में किसी भी तरह की कमी ना रखें और जीवन में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये था छोटा सा एक एनालिसिस मेरे एक सब्सक्राइबर का। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा जरूर 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 कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठा सकें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।